हम लोग ये गोपीनाथ भजन गाने वाले हैं। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया है। और देखिए, कल भी आप सुन रहे थे कि जो भजन है वैष्णव आचार्यों के, वह सामान्य भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन ये भगवान को अत्यंत प्रसन्न करने वाले हैं। और ये सर्वश्रुति मनोहरा शब्द आपने सुना था, तो वेदों को सारे सार को प्रस्तुत करने वाले हैं। तो यहाँ पे और एक और बात है कि इस प्रकार से आप सुन चुके हैं कि जिन वैष्णव की कृति हम सुनते हैं उनका संग हमको प्राप्त होता है। एक और फायदा ये है कि क्या भाव होना चाहिए भक्त का, भगवान के प्रति कैसे प्रार्थना करना चाहिए, वह भी हम सीखते हैं। तो आज ये जो सॉन्ग है थोड़ा सा ये दैन्य बोध वाला है। प्रार्थनामय तो है, लेकिन भक्त का किस प्रकार का दैन्य है, और दैन्य होने से ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार के भजन को गा करके व्यक्ति के हृदय में दैन्य कुछ उत्पन्न होता है। सब यहाँ दिख ही रहा है, ठीक है। तो हम इसके पहले अर्थ को समझते हैं। गोपीनाथ अर्थात गोपियों के नाथ कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं। मम निवेदन सुनो, मेरा निवेदन सुनिए, एकदम हिंदी की तरह है। क्या तुम में कोई गुण है जो मैं तुम्हारी बात सुनूं? देखिए क्या कह रहे हैं, ना विषय दुर्जन, मैं तो हमेशा विषय भोग में आसक्त रहा हूं, दुर्जन हूं, बुरा व्यक्ति हूं, सदा कामरत, सदा काम वासना में आसक्त रहा हूं, किछु नाही मोर गुणा, मेरा कोई गुण नहीं है। इस प्रकार की भावना से लेकर के युक्त तो होकर कोई कृष्ण को पुकारता है, तो कृष्ण का ध्यान स्पेशल रूप से उसके प्रति आकर्षित होता है। ये कोई, देखिए जब इस तरह की बात हो रही तो डिप्रेस नहीं होना चाहिए। नम्रता का अर्थ है कि मैं पतित हूं लेकिन कृष्ण कृपालु है, समझ रहे हैं। ये नहीं कि बस हम डिप्रेस है, मैं पागल हूं, मैं खराब हूं, और उसके बाद व्यक्ति भक्ति छोड़ दे, नहीं। आशा कृष्ण की कृपा पे है, लेकिन अपनी तरफ भक्त देखता है तो कहता है ना, हमारी कोई योग्यता नहीं। और इससे कृष्ण बड़े आकर्षित होते हैं। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी जी के बारे में सुना ना आपने, फिर कह रहे हैं गोपीनाथ आमार भरोसा तुम्ही मुझ, गोपीनाथ तो समझ रहे हैं आमार भरोसा मतलब मुझे आपकी कृपा पे आशा है, मैं अपने प्रयासों पे तो अपनी तरफ देख रहा हूं, तुम्हारा तो कोई चांस नहीं लग रहा है। तुमार चरणे लोई नु शरण तुमार किंकर आमी, कितना सुंदर है, मैं आपके चरणों की शरण ले रहा हूं, मैं आपका किंकर हूं, किंकर मतलब सेवक हूं। गोपीनाथ के मोने शोधी बेमोरे, किस प्रकार से मेरा मेरा हृदय का शुद्धिकरण होगा, ना जाने भक्ति कर्म जड़े मति पुड़े ची संसार घोरे, मैं भक्ति नहीं जानता और मेरी कर्म में जड़ मति है। कर्म का अर्थ होता है कि भोग प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो प्रयास करता है, ऐसी जड़ मति है, उसी में मैं लगा रहता हूं, और इस कारण से पोड़े ची संसार घोरे, इसके लिए मैं इस घोर संसार में बारंबार गिरता रहता हूं। ये नेगेटिव बोलने के लिए नहीं है, मात्र ये नम्रता भक्त की है, उसमें वह ऐसा निवेदन कर रहे हैं। गोपीनाथ सकल तुम्हारी माया, सब कुछ तुम्हारी माया है, नाही मामा बल ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन नहे एक आया, मेरे पास कोई आध्यात्मिक बल नहीं है, ना ही कोई ज्ञान है, निर्मल ज्ञान हो आपके संबंध में, ना ही मेरी काया मेरे अधीन है। तो सोना होता है तो सोना ही पड़ता है, भूख लगती खाना ही पड़ता है इत्यादि, स्वाधीन न एक आया। गोपीनाथ नियत चरण स्थान, अपने चरण में स्थान मुझे दीजिए, मांगे ए पामर कांदिया कांदिया, ये पामर ये नीच व्यक्ति भक्त बोल रहे हैं, भक्ति ठाकुर जी बोले कांदिया कांदिया क्रंदन करते हुए, करो हुए करुणा दाना, इस प्रकार से आप करुणा का दान मुझे दीजिए। गोपीनाथ तुम ही तो सकल ही पारो, अब मान लो गोपीनाथ जी कहें, भगवान कहें कि अरे आप इतने दैन इतने खराब व्यक्ति, तो उद्धार कैसे करूंगा मैं, तो कह रहे हैं तुम ही तो सकल ही पारो, आप तो सब कुछ करने में समर्थ हैं, यही है ना इसका अनुवाद। दुर्जन तारीते तुम्हारे शक्ति की आछे पापी रारो, दुर्जनों को तारने की आपकी शक्ति है कि आछे पापी रारो, मेरे अलावा और कौन पापी है। तो बार बार भक्त इस प्रकार से प्रार्थना किए हैं कि भगवान अगर आपका नाम आप चाहते हो कि दीन पावन सार्थक हो, दीनों को पावन करने वाले, पवित्र करने वाले, तो आपको मेरा से बड़ा कोई दीन नहीं मिलेगा, या पतित पावन अगर अपने नाम को आप सार्थक करना चाहते हैं तो मेरे अलावा कोई व्यक्ति आपको मिलने वाला नहीं है, नहीं तो आपको पतित पावन कौन कहने वाला है, तो मैं सबसे पतित हूं, आप पतित पावन हैं, इसलिए आप मुझको मेरा उद्धार कीजिए। तो ये बात यहाँ पे आप देख रहे हैं। गोपीनाथ तुम ही कृपा पारा बार ह जीवेर कारण आसिया प्रपंच लीला कोयलो सुविस्तार। तो मान लीजिए गोपीनाथ कहें कि अरे आप पापी हो तो मैं आप पे कृपा क्यों करूंगा, तो कह रहे हैं गोपीनाथ तुम ही कृपा पारा बार, आप तो कृपा अतिशय सीमा पार किए, कृपा के समुद्र हैं,
जीवेर कारण जीवों के लिए आसिया प्रपंचे, इस भौतिक जगत, प्रपंच का मतलब भौतिक जगत में आते हैं, लीला कोइल सुविस्तार, और अपनी लीला का सुविस्तार करते हैं। उस कृष्ण लीला को सुन करके जीव आपसे प्रेम प्राप्त कर लेता है, जबकि जीव इधर से इच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन भगवान बार बार आकर के लीला विस्तार करते हैं, लीला विस्तार करते हैं, ताकि इस लीला का श्रवण करके जीव की अविद्या नष्ट हो जाए। गोपीनाथ, आमी के दोष दोषी, हे गोपीनाथ मेरा क्या दोष है, मेरा क्या दोष है। असुर सकल पाइलो चरण विनोद थाकिलो बोसी, कह रहे हैं कि जितने भी असुर हैं, असुर सकल समझ रहे हैं, सकल मतलब सारे, सारे असुर ने आपके चरण को प्राप्त कर लिया। कौन? पूतना, बकासुर, आकासुर, सबको तो आपने उद्धार कर लिया। विनोद थाकिलो बोसी, और विनोद भक्ति विनोद ठाकुर जी वहां बैठे हुए हैं, ये तो अच्छा नहीं, अब मैं क्यों बैठा हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से तो हम लोग भजन अब शुरू करते हैं। गोपीना मम निवेदना सुनो, गोपीना मम निवेदना सुनो, विषय दुर्जाना सदा कामरता, किछु नाही मोर गुणा, विषय दुर्जाना सदा कामरता, किछु नाही मोर गुणा। गोपीनाथ आमार भरोसा तुमि, गोपीनाथ आमार भरोसा तुमि, तुमार चरणे लोइनु शरणा, तुमार किंकर आमी, तुमार चरणे लोइनु शरणा, तुमार किंकर आमी। गोपीनाथ के मोने शोधिबे मोरे, गोपीनाथ के मोने शोधिबे मोरे, ना जानी भक्ति कर्मे जड़ माती, पोड़े छी संसार घोरे, गोपीनाथ ना जानी भक्ति कर्मे जड़ माती, पोड़े छी संसार घोरे, गोपीनाथ सकली तुमार माया, सकले तुमार माया, नाही मम बल ज्ञान सुनिर्माल, स्वाधीन नहे काया, नाही मम बल ज्ञान सुनिर्माल, स्वाधीन नहे काया। गोपीनाथ नियत चरण स्थान, गोपीनाथ नियत चरण स्थान, मांगे पमार कांदिया कांदिया, करो हे करुणा दाना, मांगे पमारा कांदिया कांदिया, करो हे करुणा दाना। गोपीनाथ तुमि तो सकलि पारो, गोपीनाथ
তুমি তো সকলি পারো দুর্জনে তারিতে তোমার শক্তি কে আছে পাপীর আরো দুর্জনে তারিতে তোমার শক্তি কে আছে পাপীর আরো গোপীনা তুমি কৃপা পারবা গোপীনা তুমি কৃপা পারবা জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে লীলা কইল সুবিস্তার জীবের কারণে আসিয়া প্রপঞ্চে লীলা কইল সুবিস্তার গোপীনা আমি কি দোষে দোষী গোপীনা আমি কি দোষে দোষী অসুর সকল পাইল চরণ বিনোদ ঠাকিল বসি অসুর সকল পাইল চরণ বিনোদ ঠাকিল বসি গোপীনা মম নিবেদন শুনো গোপীনা মম নিবেদন শুনো গোপীনা মম নিবেদন শুনো মম নিবেদন শুনো গোপীনা মম নিবেদন শুনো শ্রী শ্রী গোপীনাথজি।